यहाँ गिरनार पर्वत की महिमा की व्याख्या कर रहे हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण भूमि गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ स्वामी चरण चिन्हों को सौधर्म इंद्र ने अपने वज्र दंड के द्वारा अंकित किया। ऐसे चरणों पर बलभद्र, बलराम, नारायण, श्री कृष्ण दोनों भाई उन तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के चरणों की वंदना करते हैं। वे तीर्थ तीर्थ वृष समय सतत गम्भते दिशा प्रीतुते भरतो विस्मूर्जन्ति श्रुतो चलः तीर्थ ब्रह्मेश्च जो तीर्थों में श्रेष्ठ ऐसा तीर्थ बहती बहती धरती हेतु जो धारण करता है हेतु तीर्थम पुण्य स्थान में जो पुण्य स्थान को प्राप्त है ऐसा तीर्थ जो कि संसार के दुखों से पार करा दे मुक्ति को प्रदान करा दे सुख में रख दे उसका नाम तीर्थ है। तीर्थी तीर्था जो तिरा दे उसका नाम तीर्थ है। तो ब्रह्मस्य तीर्थंकर सतत अदगम्यते च वे तीर्थंकर ऋषियों के द्वारा तीर्थ ऋषि विषय ऋषियों के द्वारा परीत शव ओर से वृषम अत्यंत अदगम्यते सेवित है ऐसा इति विश्रुतः अतिशय प्रसिद्ध ऊर्जंत अचलः अचल यानी पर्वत ऊर्यंत पर्वत जिस पर जाकर नारायण कृष्ण और बलभद्र ने प्रणाम किया किसको जिसको इंद्र ने अपने वज्र दंड के द्वारा चिन्ह अंकित किए थे। जो भी तीर्थंकर का निर्वाण होता है तो उस निर्वाण स्थली पर सौधर्म इंद्र आकर के अपने वज्र दंड से तीर्थंकर के चरण चिन्ह अंकित करता है वही सिद्ध भूमि नियत होती है। इसलिए गिरनार पर्वत की जो पांचवी गुफा है हमारा तीर्थ भूमि है। सकल ऋषि सकलम से अधिगम्य थे समाश्रतम शिव थे संपूर्ण से सेवित कदा कब अद्य दानिमपी मतलब जैसे पूर्व में सेवित था ऐसे आज भी सेवित है। वह तीर्थ कथम भूते प्रीति विदयी प्रीत्या तुष्ट्या वितती विस्तृणानी प्रीतिपूर्वक विस्तारपूर्वक उलस्तानी हृदानी देखो जिनके हृदय प्रसन्न हैं विकसित हैं उन्हें ही भगवान दिखते हैं। बंद कमल पर परमात्मा की प्रतिमा स्थापित नहीं होती खिले कमल पर ही भगवान की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। जिनका हृदय भक्ति से खिला हुआ है उन्हें ही देव सगुरु दिखते हैं जिनका हृदय बंद है उन्हें न देव दिखते न गुरु दिखते न सास दिखते। इसलिए यहाँ लिखा विस्तृणानि उलस्तानि हृदयानि उलसित हृदय ऐसा तय कथम परिसमंता चारों ओर से अयम एतत् विशेषण विशिष्ट अचला ऐसे विशेषण विशिष्ट अचल पर्वत विस्तार को प्राप्त ऐसा पर्वत कथम भूत लोके विश्रुता व्या प्रख्याता ऐसा विशाल पर्वत लोक में विख्यात है कथम ऊर्जंत त्येव वो कौन सा पहाड़ है ऊर्जंत पर्वत ब्रसमित्यर्थम वह ऐसा अर्थ होना चाहिए अत्यंत विकसित ऋषियों के द्वारा सेवित और जिस पर तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी चरण अंकित हैं बलभद्र नारायण कृष्ण द्वारा प्रणम्य ऐसा गिरनार पर्वत जयवंत हो। ये उर्जिंत को ही गिरनारी कहते हैं और रेवत सुनो इसका दूसरा नाम रेवत गिरी भी है।
Show me.